लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पर्वतराज, सूर्यवंशी श्री राम के कार्य के लिए पवन पुत्र हनुमान लंका की ओर जा रहे हैं। इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर के पुत्रों के हमारे ऊपर कई उपकार हैं। ये वंश सदैव हमारे लिए पूजनीय है, इसलिए श्री राम के दूत हनुमान को विश्राम देने के लिए समुद्र से ऊपर उठो और उन्हें पुकार कर उनका आतिथ्य सम्मान करो। जो आज्ञा सागर देवता। महावीर हनुमान, हमारा आतिथ्य स्वीकार करके कुछ देर मैनाक पर्वत पर विश्राम कर लीजिए। जय श्री राम। आप पवन देव के पालक पुत्र हैं कपिश्रेष्ठ, आपकी पूजा करके पवन देव की पूजा भी हो जाएगी। आज हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए प्रभु, स्वीकार कीजिए। आप हिमालय पुत्र मैनाक पर्वत हैं? हिमालय राज भगवान शिव के पूज्य हैं, इसलिए आप मेरे लिए भी पूज्य हैं। प्रणाम। आप संभवतः जानते ही होंगे कि सृष्टि के आदि में हम पर्वतों के भी पंख हुआ करते थे और हम आकाश में पक्षियों के भांति उड़ा करते थे, किंतु हमारे यहां वहां उड़ने के कारण देवताओं, ऋषियों और इस सृष्टि के सभी प्राणियों में भय व्याप्त हो गया कि कहीं हम उन पर गिरकर उन्हें नष्ट ना कर दें। इसीलिए इंद्रदेव ने हमारे पंख काट दिए और जब वो वज्र प्रहार करने के लिए हमारी ओर बढ़े, तभी आपके पालक पिता पवन देव ने मुझे समुद्र में डुबोकर मेरी रक्षा की। आप ही बताइए, मैं पवन देव का ये उपकार भला कैसे भूल सकता हूँ। आप धन्य है मीनाकराज, आप धन्य है। आप वायु वेग से उड़कर थक चुके होंगे, कुछ देर यहां विश्राम कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मीनाकराज। मुझे शीघ्र अति शीघ्र लंका पहुंचना है, विश्राम करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जैसी आपकी इच्छा मारुति देव। समुद्र देव और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप अपने कार्य में अवश्य सफल होंगे। जय श्री राम। महाबली महाभट महावीरा, दिग दिगंत गतिमान समीरा, रामचरित मानस के हीरा। सेवक साधक भक्त मित्र के तुम साक्षात प्रमाण। कौन हो तुम और मेरे मार्ग की बाधा क्यों बन रही हो? मैं नाग माता सुरसा देवी हूँ हनुमान, और देवताओं के आदेश से मैं अपनी क्षुधा शांत करने आई हूँ। नाग माता सुरसा, और देवताओं के आदेश से तुम यहाँ आई हो? आश्चर्य है, तुम श्री राम के कार्य में बाधा डाल रही हो। तुम बाधा समझते हो तो समझते रहो, परंतु मेरा आहार बने बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते हनुमान।
नाग माता सुरसा, आप मुझे अपना आहार बनाना चाहती हैं? बनाइए मुझे अपना आहार, मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। जय श्री राम। तुम मुझसे दुगने बन गए हनुमान, अब देखो मैं तुमसे दुगना बनकर दिखाती हूँ। जय श्री राम। अब मैं आपसे चौगुना बनकर बताता हूँ नाग माता। तुम नाग माता से बड़े नहीं बन सकते हनुमान, अब देखो मेरा विशाल आकार। नाग माता, आप सचमुच महान हैं। मैं भला आपसे बड़ा कैसे बन सकता हूँ? लो, करो मेरा आहार। जय श्री राम। जय श्री राम। नाग माता, मैंने आपकी इच्छा पूर्ण कर दी। मैं आपका आहार बनकर आपके मुंह से निकल आया। मुझे लंका पहुंचने में विलंब हो रहा है माता, कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए। केसरी नंदन, मैं तो देवताओं के आदेश पर तुम्हारी परीक्षा ले रही थी हनुमान। बल बुद्धि और विशालता में भला तुम्हारी बराबरी कौन कर सकता है? मैं ही नहीं, समस्त देवता भी तुम्हारी प्रशंसा कर रहे होंगे। जाओ, श्री राम का कार्य संपन्न करो, सफलता अवश्य ही तुम्हारे चरण चूमेगी। तुम्हारा कल्याण हो हनुमान। अब मुझे आज्ञा दीजिए नाग माता। जय श्री राम। तो ये है सोने की लंका।